अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम सलाम मैम, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह मैम, फिट हैं आप? सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक बच्चों। और सुनाएं, कुछ पढ़ा था आप लोगों ने? पढ़ना क्या था? वही जो टीचर पढ़ाता है उसे बाद में पढ़ना ही होता है। आयशा चल सही मैम। अच्छा बच्चों, हमारा कॉग्निटिव थेरेपी जो है वो एंड हो गई थी। हम आज एक दफ़े इसका ओवरव्यू कर लेंगे। ओवरव्यू करने से पहले, एक क्लास में आपको पता होगा कि आमना ने एक केस डिस्कस करना था, लेकिन उस क्लास में टाइम नहीं था मिला केस डिस्कस करने का, और उससे जो नेक्स्ट क्लास थी यानी कि जो मंडे वाली क्लास थी तब भी टाइम नहीं था मिला। तो चले आज पहले आमना का केस सुन लेते हैं और उसके बाद फिर हम एक दफ़ा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं, और फिर मैं आपसे पूछ लेती हूँ उसके बाद आपका क्या दिल जा रहा है, अब हम जो इसके बाद थेरेपी पढ़े वो कौन सी थेरेपी पढ़े। जी आमना। ओके मैम। जी आमना, अपना केस डिस्कस स्टार्ट करें। जी जी बिलाल मैम। जी मैम, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पढ़ ली है? जी हम लोगों ने ये पढ़ ली है, मतलब हमें ये आ गई है? आ गई है, और चीज है, पढ़ ली है, आएगी तब जब आप लोग इसको देखेंगे तो तब पता चलेगा ना कि कितनी आई है और कितनी नहीं आई है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे हो सकता है इसमें से बहुत सी चीजें तब आपको ना आ रही हो। अभी तो सिर्फ आप थ्योरेटिकली पढ़ ली है। ठीक हो गया। जी आमना। आमना है अभी? वैसे अभी तो थी। है मैम। जी आमना को जरा जगा दें। मैम जाग गई, कैसे उठ जाओ। जी बच्चों, अब अटेंटिव होके प्लीज उसका केस सुन लें, और फिर उसकी मतलब जो जो सजेशन वो मांग रही है या जो आपको समझ आ रही है वो हम लोग देख लेते हैं। जी आमना चले करें स्टार्ट। मैम एक फीमेल है जिसकी एज जो है मतलब काफी ज्यादा है, 60 से अबव लगा लें आप, ठीक है। चार बच्चे हैं जो कि मैरिड है, और जो बाकी दो बड़े बेटे हैं वो तो मतलब कट ऑफ हैं, और जो ये फीमेल है इसका अपने हस्बैंड के साथ जो रिलेशन है ना वो मतलब जस्ट बुलाती है सलाम दुआ है बस, अदरवाइज और कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। रहती है अपने छोटे बेटे के साथ है, और इसका सीन कुछ ऐसा है कि ये बैठी बैठी ना खुद से बातें करने लग जाती है, नींद में सोई हुई है ना तो अचानक उठ के बैठ जाएंगी और खुद से बातें करने लग जाती है। वॉशरूम में जाती है तो जब भी जाना है ना वॉशरूम बहुत ज्यादा यूज करती है, स्पेशली जो साबुन है ना अगर आपने एक दिन रखा है ना अगले दिन आपको वो नजर नहीं आएगा, और घंटा लगा के आना है। और जब एक इनकी बात ये भी अजीब है कि जब ये नमाज पढ़ती है ना तो नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज के दरमियान में ही जो किबला रुख है ना वो चेंज कर देती है, और जब आप इनसे नॉर्मली भी अगर ये बैठी हुई है ना नॉर्मली बिल्कुल रिलैक्स है आप इनसे कोई बात करते हैं ना जैसे एक बंदा गहरी सोच में चला जाता है और आप उसको बात करते हो कि भाई मेरी बात सुनो, तो मतलब इस तरह की है, इस तरह के बिहेवियर है। तो मैम आपको क्या लगता है कि मतलब इनको कुछ साइकोलॉजिकल इशू है या नहीं है? नहीं नहीं बच्चों, साइकोलॉजिकल इश्यूज तो ऑब्वियसली हैं। अब जरा क्लास आप सब लोगों ने केस सुना है, अब आपको मतलब जितने ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो भी आमना ने समराइज की है, अब इसको सुन के या एकदम सुन के आप ये नहीं कह सकते कि उसको ये डिसऑर्डर है ये वो डिसऑर्डर, हो सकता है आपके माइंड में एक दो डिसऑर्डर्स की फौरन से आनी भी शुरू हो गई हो के जिसको ये डिसऑर्डर हो सकता है। तो अब आपके ख्याल में पहले तो आमना का क्वेश्चन ये है कि क्या हमें लगता है कि उसके अंदर कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं या नहीं? मैम वाकई है? वो तो है ऑब्वियसली, उसका बिहेवियर थोड़ा सा अबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहा है और उसके बहुत से जो डेली लाइफ के काम है वो नहीं ठीक हो पा रहे, ठीक है। और आमना और आपका क्या क्वेश्चन है? कौन सा नंबर मतलब इस बताना है कि हम इनको डायरेक्टली बता नहीं सकते, एक्चुअली मुझे इनकी बहू ने कहा था इनको ये इशू है, तो अब वो डायरेक्टली इनसे बात नहीं करती। आपके आपके कहने का मतलब ये है कि आपके पास वो क्लाइंट एज सच खुद नहीं आई? बच्चों आवाज आ रही है? हेलो। जी जी आमना। यस मैम, आपकी क्लियर आवाज आ रही है।
मैम अगर हम इस पर्सन का जो इलाज करें इस बताए बगैर अगर हम इसके ऊपर थोड़ी सी एफर्ट करें तो किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से इसकी बहू की लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, उसके हस्बैंड के और उसके आपस में जो ताल्लुकात हैं बहुत ज्यादा क्लैशेस आ रहे हैं, और उनकी एक बेटी है छोटी और जिसकी वजह से उन्होंने अब सेपरेट घर भी लिया, तो आप यहाँ पे आके इनको तंग करती हैं, मतलब अगर एक रूम में है ना तो कहती है मैंने भी यहीं पे सोना है, और अगर वहां पे भी सोना है तो कहती है नहीं मैंने बेड पे ही सोना है, तो मतलब इस तरह की भी डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, और जिसकी वजह से इनकी बहू को ना सीवियर किस्म का हार्ट अटैक हुआ था और उसको माइग्रेन जो प्रॉब्लम है ना वो भी है, तो डॉक्टर ने कहा था कि आपकी लास्ट स्टेज है, अगर दोबारा आपको अटैक हुआ ना तो आपकी डेथ भी हो सकती है, तो इन ये लास्ट डेज मतलब लास्ट वीक में ही ना उसकी जो वाइफ थी मतलब जो इनकी बहू है उनको दोबारा फिर जो उनका बीपी था वो शूट कर गया था, बहुत ज्यादा हाई था, तो डॉक्टर ने इनकी रिपोर्ट्स वगैरह मंगवाई, उन्होंने कहा आप अच्छे खासे रिकवर हो रहे थे तो फिर से दोबारा ये इशू हुआ है, आप लोगों ने घर भी चेंज किया तो अब क्या प्रॉब्लम है, तो उसने आगे से कहा कि मेरी जो सास है अब वो दोबारा फिर यहाँ पे मेरे पास आके मेरे साथ रहती है तो उनका बिहेवियर्स फिर वैसे ही हो गए हैं, तो आप मुझे बताएं कि मैं इस क्या करूं उनका ना कि जो वो मतलब अपने या तो अपने बिहेवियर्स को ठीक कर लेंगे या फिर वो यहाँ पे ना रहे लाहौर वाले घर में वापस चले जाएं, तो डॉक्टर ने फिर उनके हस्बैंड को यही कहा कि अगर या तो आप अपनी जो अम्मी है उनको वापस भेज देंगे या फिर उनसे कहें कि वो ना इनके साथ सही ताल्लुकात जो है वो बना कर रखें, आप लोगों की पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब ना करें, अदरवाइज आपकी जो वाइफ है ना इनकी डेथ हो सकती है, तो मैम अब वो ना दो तीन दिन के लिए उसकी जो अम्मी सास है वो लाहौर चली गई, कहती मैंने सामान लेना है क्योंकि उसका बीपी शूट कर गया, घर के काम करने पड़ने थे, काम से जान छुड़ाने के लिए ना उसकी सास लाहौर वाले घर में वापस चली गई, तो मैम अब उसकी बहू बिल्कुल नॉर्मल रूटीन लाइफ में है, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जाती हूँ उनके साथ बातें करती हूँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही उनकी सास आती है ना उनके जो प्रॉब्लम है ना और ज्यादा बढ़ जाते हैं और वो बेचारी रोने लग जाती है और उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती है, तो मैम इसकी सास का फिर क्या सलूशन हो सकता है मैम? अच्छा हाँ जी जी आयशा जी मैम, इसकी सास को मैं भी मुझे मतलब लग रहा है कि मैम उनको अटेंशन प्रॉब्लम है, क्योंकि मैम उनकी हस्बैंड के साथ अपने भी रिलेशन जो थे ना वो नॉर्मल नहीं रहे, उनको वो अटेंशन मिली नहीं है, तो मैम वो अजीब से तरीकों से अटेंशन लेना चाह रही है, तो मतलब आपको ये हिस्ट्री सुन के पता चला कि वो इस तरह से मतलब आपने मैम देखे ना मतलब मैम वो हर जगह मतलब खुद मतलब अंदर जाती है ना, मतलब उनके पास है कि उनको डिस्टर्ब करती है या मतलब मैम वो अपनी तरफ सबको मतवजा कर रही है मैम, क्योंकि उनके अपने हस्बैंड के साथ उनके रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, एक मैम जो नॉर्मल और हेल्दी रिलेशनशिप है वो उनको कहीं पे भी नहीं मिला, ना उन्होंने कभी किसी से कोई बातें की है मैम, ना मतलब अपने दिल की भड़ास कोई मैम उसने निकाली नहीं है मैम, इसीलिए वो खुद से बैठ के भी बातें करती है, अगर मैम वही कोई सुनने वाला बातें हो तो वो खुद से क्यों करे? जी बच्चों ऑब्वियसली ऐसा तो है ही कि उनके अपने भी मतलब सबसे पहला मसला तो उनके खुद के साथ है ना, वो तो ऑब्वियसली आमना ने हिस्ट्री ली होगी या ये सब किया, लेकिन सबसे पहले मसला ये है कि हम किसी भी क्लाइंट को या किसी भी पर्सन को ठीक कैसे करेंगे, मतलब आपने तो मेडिसिन नहीं ना देनी, अगर आप एक फिजिशियन होते या आप एक साइकेट्रिस्ट होते तो आपके पास कोई आता है या कोई जबरदस्ती आता है फिर भी आप उसे कोई मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है, यहाँ पे वो पर्सन जिसकी प्रॉब्लम की वजह से कोई और पर्सन प्रॉब्लम में आ रहा है वो आपके पास आया और वो आपके पास क्या करने के लिए आया, वो आपके पास उसकी प्रॉब्लम लेके आया, लेकिन अब वो पर्सन जब तक खुद नहीं आएगा तो हम उसे कैसे कह सकते हैं कि वो वाकई इस प्रॉब्लम में है भी या नहीं। यस मैम ये तो है, क्योंकि सबसे ये तो आपको पता चल गया बातें सुनती है कुछ भी मैम, इसे घर में आओ जी मैम, इसे चाहिए कि मतलब बुलाते हैं इंटरेक्शन की तरह करें, वो सलाम लेते हैं ना आमना, यस मैम इस्लाम भी देते हैं ना वो आपसे इस्लाम का जवाब ही नहीं देते हैं, मतलब ये देती नहीं है बुलाती नहीं है, तो उनकी कह रहा हूँ मैं शादी हुई है ना इनकी, तो आप ही कहती हैं कि मतलब मुझे बहुत अजीब लगता है कि इनके हस्बैंड इतना इनका करते हैं फिर भी नहीं बुलाती, कहती मैंने एक दो दफा अपने हस्बैंड से पूछा है कि आपकी अम्मी को क्या इशू है, और कहती है उनकी सखी भांजी आई है उनकी मतलब बहू बनी है, वो आगे से कहती है कि शुरू से ही ऐसे है बच्चों, देखो कुछ कराची के रहने वाले हैं, नहीं नहीं ओपन माइंडेड है, अभी सबके सामने उनके हस्बैंड का जो भी बिहेवियर है वो अब है, वो हो सकता है कि मतलब पास्ट में उनके हस्बैंड का मेबी उनके साथ बिहेवियर अच्छा ना हो स्टार्ट में, या उन्होंने पता नहीं कौन yes, वो चीजें देखी हो, अब सामने देखने में और वो चीजें जो उन्होंने खुद फील की हैं उसमें टोटली एक डिफरेंस आ सकता है ना, हमें एक बात एग्जैक्ट नहीं पता, हमें सिर्फ वो चीज पता जो हमें अब नजर आ रही है सामने, लेकिन हमें वो रवैया या उनका वो बिहेवियर नहीं पता जो जिस बिहेवियर की वजह से वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में आना स्टार्ट हुए, और मैम ये भी हो सकते हैं कि हस्बैंड से पहले उनके फादर्स के साथ भी रिलेशन मतलब मैम उनके घर में मतलब मैम जहाँ पे उन्होंने अपनी जवानी या बचपन उतारा वहां पे कोई मसला हो उन्हें,
अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं एक बात आपसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि मतलब जितने भी अब तकरीबन आप देख लेंगे लेट 60s में है, 70s में है, जितने भी लोग हैं, उस अगर आप उनके अम्मी अबू के बारे में या उनके पेरेंट्स के साथ उनका रिलेशनशिप देखें ना, तो बहुत कम होंगे जिनका रिलेशनशिप आइडियल होता है, जो कि अब आजकल के जमाने में बताया जाता है कि जी बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा होना चाहिए था। लेकिन जब पहले जमाना था तब लोग इस तरह से नहीं करते थे, या बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह का रिलेशनशिप नहीं होता था जिस तरह का हम अब एक्सपेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर प्रॉब्लम पहले भी थी, लेकिन वो प्रॉब्लम ज्यादा अराइज सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, अब सेंसिटिविटी के बाद जो दूसरी चीज है, ऑब्वियसली हमें उस उनके खुद के प्रॉब्लम्स का नहीं पता। जब तक आप उनके खुद के प्रॉब्लम्स नहीं देखेंगे कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स फेस किए थे अपने दौर में या अपने जमाने में, उनकी रूट्स मतलब आज जो इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं या उनका बिहेवियर दूसरों के लिए प्रॉब्लमेटिक बन रहा है, इस बिहेवियर के कोई ना कोई रूट कॉजेस तो होंगे ना। यस मैम, ऑब्वियसली उन रूट कॉजेस को देख के हम कह सकते हैं कि ये पर्सन एक्चुअली स्पेसिफिक इस प्रॉब्लम के साथ चल रहा है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि वो बार बार हाथ धो रही हैं या वो किबला चेंज कर देती हैं, तो इन दो सिम्टम्स को देख के आपके माइंड में फौरन ओसीडी का ख्याल आ गया होगा। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि नो मैम बातें करो, मैम मेरे माइंड में पता क्या चीज आई है? जी 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 आयशा मैम, मैम उनकी जो मेंटली कंडीशन है ना मैम, वो कंफर्टेबल नहीं है मैम, वो सोचों में चली जाती है, गहराई में चली जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या काम कर रही है और उसी को करी जा रही है। मैम मे भी मैम साबुन से हाथ धोते वक्त मैम वो कुछ ऐसी चीज सोच रही हूँ कि उनका सारा ध्यान जो है उस तरफ हो और मैम उसे पता ही ना चलता हो कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे हाथ मैम वो जो होते हैं ना मैकेनिकल अंदाज में हमारे हाथ चलते रहे। जी 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 जी, मुझे ऐसा समझ आ गई आपकी। मुझे जो ज्यादातर लगता है कि उनका एक तो ऑब्वियसली थोड़ा वो डिप्रेशन की तरफ है, लेकिन जैसे ही आपने कहा कि अब वो उनकी उन्हें लगा कि उनकी बहू बहुत बीमार है, उन्हें घर के काम करना पड़ेंगे और वो वहां से चली गई, अगर वो डिप्रेशन में होती तो ऑब्वियसली फिर वो बहुत ज्यादा सो रही होती हैं, बहुत ज्यादा सैड रहती हैं, रोने लग जाती हैं, वो दूसरों की लाइफ में इतना इंटरफेयर ना कर रही होती। जिस तरह से आप कह रही हैं कि उनके रूम में आके सो जाती हैं, वो कहती हैं मैंने यहीं पे सोना है, मैंने यहीं पे रहना है, मैंने उनसे बात नहीं करनी, तो डिप्रेशन के लोग या डिप्रेशन के सिम्टम्स अगर देखेंगे तो वो इतनी ज्यादा इस तरह से नहीं होती। तो अभी आपके पास उन पर्सन की खुद की हिस्ट्री तो नहीं है, सिर्फ आपके पास वो हिस्ट्री है जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने की, वो भी स्पेसिफिकली उनकी सिर्फ बहू ने बताई है। अब उनके साथ उनकी बहू का रिलेशन तो अब स्टार्ट हुआ है ना, जब से उनकी शादी हुई है, अपनी आंखों से देखा है। नहीं, उन्होंने अपनी आंखों से तो देखा, लेकिन उन्हें हिस्ट्री नहीं ना पता। एक और बहुत अजीब चीज है मैम, वो घर के अगर सारे काम करती है ना, उनके हस्बैंड शाम को आए तो ना आप ही ने मशीन वगैरह लगाई तो ऊपर से कपड़े उतार कर लाएं, तो नॉर्मली उनके हस्बैंड ने मजाक से कहा देखो आपकी बहू कितनी अच्छी है, आपके सारे काम करती है और देखिए उसने खुद ही कपड़े धोए हैं, खुद ही सुखा के ऊपर से लाई है, तो आगे से फोन करके कहती है पहनती भी तो यही थी तो फिर धोने नहीं थे इसने, हंस के। तो मतलब वो कहती है कि यार अगर ये थोड़ा सा प्यार से कह देती तो क्या था, मैं कौन सा इनको कहती हूँ काम कर दो, तो कहती है ये आगे से ऐसे क्या है तोड़ के जवाब दे देंगे अगले बंदे को, ये नहीं देखती कि एक बंदा सारा दिन इनकी खिदमत करता है फिर भी ऐसे करते हैं। वैसे मुझे तो यहाँ पे तो नॉर्मल है। अच्छा मुझे ना यहाँ पे प्रॉब्लम उनसे ज्यादा ना उनकी बहू में लग रहा है। मैम नॉर्मल है, इतना तो मैम आम घर में हो जाता है। डॉक्टर ने खुद कहा है, डॉक्टर कहती है अब आपने दिमाग पे इतना सवार कर लिया कि आप डिप्रेशन के मरीज हो गए हैं। क्योंकि देखो इस तरह की बातें ना घरों में, या ऑब्वियसली जेलसी फैक्टर तो हर जगह होता है, मतलब ये रिलेशनशिप ही ऐसा होता है, बेशक आप अपनी सगी भांजी को ले आए जितना मर्जी आप उनसे प्यार कर रहे हो, लेकिन बाद में चीजें जब आप शेयर कर रहे होते हैं उनके साथ तब आप ऑब्वियसली फील करते हैं, और एज अ पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए और स्पेशली मदर के लिए वो बेटों की तरफ थोड़ी ज्यादा अटैच होती है, और हो सकता है उन्होंने खुद भी इन्हीं या इस तरह के कुछ मिलते जुलते हालात को देखा हो जिससे वो भी निकल नहीं पा रही, और वो किसी ना किसी तरह से वही चीजें आगे जाकर दूसरों पे भी डालने की कोशिश कर रही हैं। ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुझे ज्यादातर प्रॉब्लम लगता है वो उनकी बहू का भी लगता है। मैम इनकी बेटी है आमना, इनकी बेटी है आमना, इनकी नहीं बेटे हैं शायद, ये बेटियां हैं इनके। मैम मेरी बात सुने, मैम ये कह रही है कि देखिए कि जो ना हस्बैंड वाइफ है ना इनका अट्रैक्शन है ना वो भी बर्दाश्त नहीं करती इसकी जो इनकी सास है। जी जी, वो आमना ने बताया, और उन्होंने आमना ने साथ भी बताया कि उनका इवन अपने हस्बैंड के साथ भी इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं है। मैम आप ये कह रही है ना कि मुझे ज्यादा उनकी बहू में प्रॉब्लम लग रहा है।
नहीं मतलब उनको देख देख के वो भी आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम में जा रही है, आपने कहा था हार्ट अटैक हो गया। तो मैम यस मैम शेर किस्म का अटैक हुआ है कि डॉक्टर ने कहा कि देन उनके पास ऑप्शन मैम देखिए एक लड़की है ठीक है अपने घर को सबको छोड़ के शादी करके जाती है मैम सीधी अब मैं बात करने लगी हूँ मैम हाँ जी हाँ जी करें करें मैं अब उसका सबसे जो ज्यादा हक है वो अपने हस्बैंड के ऊपर है ठीक है उसने जो बात करनी है वो कहती इवन यहाँ तक कि वो उसकी एक बेटी आमना आपकी आवाज नहीं आ रही मैम मैं किंजा के फोन से बात करती हूँ तो मैम हाँ जी बच्चों के बीच में एकदम से आपकी आवाज किधर चली जाती है रोटी वाले काटते हैं आंदो पहले पढ़ लो आमना कहाँ गायब हो गई है बच्चों आमना को ढूंढे मैं भी रोटी खाने गई हूँ अच्छा बच्चों चले कोई और बता दे बाकी सारे कहाँ सोए हुए हैं इकरा मैम देखें एक लड़की जब शादी के बाद जाती है उसका सबसे ज्यादा जो हक होता है अपने हस्बैंड पे होता है उसने हर तरह की बात जो भी बात अपने हस्बैंड से करनी है ठीक है और शादी की फर्स्ट नाइट दानियाल आप जरा बात है दानियाल चुप करो शादी की फर्स्ट नाइट मैम एक सास उठ के कहे कि मैंने आज अपने बेटे के कमरे में ही सोना है और सारी जिंदगी वो अपने बेटे के कमरे में ही सो रही है और आप खुद बताएं कि एक नॉर्मल बंदा डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा वो बंदी कैसे डिस्टर्ब ना हो फिर आप उसको औलाद के ताने भी दे रहे हैं कि अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी फिर अगर उसको अल्लाह ने बेटी दे दी आप उसको ये कहती है तुम बेटा नहीं पैदा करी तुम्हें अल्लाह ताला बेटा क्यों नहीं दे रहा उसको इस तरह के टॉन्ट भी करी है और ऊपर से उसकी पर्सनल लाइफ में अब वो अपने हस्बैंड से कोई भी बात करने लगती है ना फौरन से पहले उनके दरमियान में आ जाती है कि क्या बात करने लगे आप लोग मैम मुझे लग रहा है कि वो एक नॉर्मल पर्सन डिस्टर्ब होगा ना फिर शादी के बाद को खो देने से घर वालों को क्या बोले नहीं बच्चों पता क्या आमना की बात ठीक है कि जो भी है आप जहां पे जाना है कौन सी सिचुएशन थी जो डिस्कस हुई है जी दानियाल आपको क्या समझ आई है जरा बोलें मैम ये पूछ रहा हूं कि ये कौन सी सिचुएशन है जो डिस्कस हुई है अभी अच्छा फिर तुम चुप ही रहो अभी अच्छा बच्चों एक तो आप खैर से आज दो हफ्तों बाद तशरीफ लाए हैं और आने के बाद आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है नो मैम आमना बहुत जल्दी तेजी से बोल रही थी इससे पता नहीं चला आमना ने पहले बताया है पूरा डिटेल अच्छा बच्चों तुमने लेट फाइंड किया था हम लोग ये जो मैम वो एक्चुअली लाइट ऑफ हो गई थी जी जी ठीक है अच्छा बच्चों हम लोग जो ये बात कर रहे होते हैं कि जिसका रिलेशन सबसे ज्यादा अपने हस्बैंड के साथ होता है जो ये बातें वो हैं जो कि एज गर्ल मतलब हम सब लोगों को पता है हम सब लोगों को ये चीजें कहीं ना कहीं हम चाह रहे होते हैं कि ऐसा हो लेकिन ये चीजें सिर्फ हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो आपकी लाइफ है वो इतनी आइडियल नहीं है इवन हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स से अपनी अम्मी से या अपनी नानी से या अपनी दादी से पूछे तो उनको हो सकता है इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो अब मुझे जो ये लगता है आप उनकी अम्मी को इतनी जल्दी ठीक नहीं कर सकते उनके अंदर जेलसी का फैक्टर है और ऑब्वियसली नई नई उनकी मतलब नई शादी भी नहीं हुई अगर दो या तीन साल भी हो गए हैं तो ऑब्वियसली वो अभी भी क्योंकि उनके वो साथ रह रही हैं उन्हें ये लग रहा है कि उनके जो पहले बेटे उन्हें छोड़ के चले गए हैं तो वो भी उनकी बहुओं की वजह से चले गए हैं तो इस वजह से किसी ना किसी तरह से वो इन दोनों को एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आने ही नहीं दे रही उन्हें लगता है कि शायद ये भी उन्हें छोड़ के चले जाएंगे लगता होगा कि शायद शादी के बाद जो है मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है या खो देने का डर हो सकता है जैसे भी आमना ने मैम कुछ इंडियन ड्रामा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब बहुत ज्यादा पजेसिव हो रही हैं और फिल्मी फैंटेसी लाइफ में जा रही हैं ऐसे तो हम assumptions हैं ये सिर्फ हमारी जब तक history complete नहीं है तब तक तो हम कुछ भी नहीं कह सकते जी जी बच्चों मैंने यहाँ पे आमना बच्चों मैंने यहाँ पे आमना को यही बताया है कि एक्चुअली जो केस है वो उसकी मतलब उनकी जो बहू है वो उनके बारे में लेकर आई है तो हम वहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते यहाँ पे जो मुझे लगता है कि एज अ क्लाइंट लेना चाहिए वो सबसे पहले तो उनकी बहू को लेना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही है उन्होंने इतनी ज्यादा स्ट्रेस ली है कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया वो भी सीवियर और वो आप ये कह लें कि वो एक मुस्तकल मैग्रीन की पेशेंट बन गई है तो आपको मुझे लगता है कि ऐसा या फिर आपका उनकी सास के साथ इतना अच्छा कनेक्शन हो कि वो आपको हिस्ट्री देने के लिए रजामंद हो वो हो सकता है उनकी तो सास चाह रही हो कि मेरे उनकी सास को लगता हो कि मेरे अंदर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है मैम ये भी हो सकता है कि कोई और रीजन हो
फॉर एग्जांपल मैम एक और फैक्टर भी होता है मैम, एक तो जब शादी हो जाती है तो फिर मोस्टली सास होती हैं वो अपने बच्चे को यानी जो बेटा होता है उसको खोने के डर से भी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं। जी बच्चों ये तो है ही, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे पास उनकी कंप्लीट हिस्ट्री नहीं है। तो मैम यस मैम, लेकिन इस हमें सिर्फ वो, हमारे पास सिर्फ वो हिस्ट्री है जो कि सिर्फ उनकी बहू ने बताई है, और उनकी बहू ने भी वो इसलिए बताई है क्योंकि उनको उनसे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये केस ऐसा है कि जिसमें आप अभी कुछ कर ही नहीं सकते, वन साइडेड केस अभी हमें पता है। जी मतलब आपको सिर्फ वो बात पता है जो कि आपको कोई दूसरा पर्सन आके बता रहा है। अब हो सकता है उनकी उसकी सास वाली साइड की बात पता ही नहीं है, उसने खुद से बताया ही कुछ नहीं है। अब आप देखे ना कि उनकी बहू मैम मैं भी बहू की भी गलतियां हूँ और सास अपनी जगह पे ठीक और बहू अपनी जगह पे ठीक हो। मैम ऐसे ही दोनों की देनी पड़ेगी, नॉर्मल है मैम ये तो। बच्चों जब आप एक घर में रह रहे होते हैं, कहते हैं सपोज मैम एक बहू को चले हम गलत कहते हैं मैम उसकी सगी, नहीं नहीं मैं सिर्फ एक मिनट आमना, मैं सिर्फ बहू को गलत नहीं कह रही, ऑब्वियसली उनकी सास की भी बहुत सी गलतियां होती हैं, दोनों साइडों पे होती है, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी बहू की गलती है, लेकिन यहाँ पे ये है कि उनकी बहू ऑब्वियसली अपने घर में, वो आप सब लोग या हम सब लोग अपने घरों में एक ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं जैसे हम लोग चाह रहे होते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, आप जो मर्जी चाहते हैं करते हैं, और आप जब नेक्स्ट आगे जाते हैं तो वहां पे भी कहीं ना कहीं हम सबकी एक्सपेक्टेशन ऐसी ही होती है। अब आप इस तरह के एक माहौल से निकल के गए हैं जहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है, आपने हर तरह की लाइफ को एंजॉय किया अपने पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, आप पे कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अब जब आप आगे चले गए और आपका वास्ता एक इस तरह के इंसान से पड़ गया है अल्लाह ना करे, तो आप जाके वहां पे पहले खुद घबरा जाते हैं। तो वहां पे यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे उनकी सास में बिल्कुल भी कोई नहीं लग रही, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनकी बहू ऑब्वियसली उसने एक ऐसे हालात को देखा है कि जो बिल्कुल उसकी एक्सपेक्टेशन से उल्ट है, तो यहाँ भी प्रॉब्लम असल में उनका है। सास का प्रॉब्लम तो तब आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब वो खुद चाहेंगी कि वो बताएं कुछ। मैम अगर हम नेचुरल फैक्टर देखें तो फिर उन्होंने इवन मुझे ये भी कहा कि अगर मेरे में प्रॉब्लम्स लगती है ना आपको, उन्होंने अपने भी साथ बताया ना, तो आप मुझे बताओ मैं वो कर लेती हूँ ताकि मेरी जिंदगी में सुकून हो जाए। अमना आपकी आवाज नहीं आ रही, अमना आपकी आवाज पहले ठीक आ रही थी लेकिन अब बहुत कम आ रही है। मैम अब ठीक है? हाँ जी अब ठीक है, अब ठीक जी जी। मैम उनकी जो बहू है ना वो विलिंग है, वो कह रही थी कि अगर आपको लगता है ना कि मेरे में प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मेरी हेल्प करो, मैं खुद को ठीक करना चाहती हूँ अपनी बेटी के लिए, मैं ना अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, अगर मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा तो मैं करूंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, तो इस वजह से मैंने टॉलरेट किया, तो मुझे बताएं। अच्छा देखो, हाँ जी इकरा आप क्या कह रही थी, इकरा की भी बीच में आवाज नहीं थी आ रही। मैम ऐसी कंडीशन में तो आई थिंक दोनों की तरफ से पहले हिस्ट्री कंप्लीट करनी चाहिए, दोनों का लेना चाहिए अलग से बैठ के इंटरव्यू, पहले हिस्ट्री दोनों की होगी तो फिर इंटेक जब कंप्लीट होगा फिर ही हम कुछ कर सकते हैं फर्दर, क्योंकि जब न्यूली शादी होती है तो फिर दोनों ही एक दूसरे को आउट ग्रुप कंसिडर कर रहे होते हैं, सास भी और बहू भी, इसी वजह से मोस्टली झगड़े चलते हैं। दूसरा अब ये भी देखे ना कि ये भी हो सकता है कि जो मतलब जो उनके बेटे हैं यानी कि उनकी बहू के जो हस्बैंड हैं वो भी शायद अपनी बीवी का इतना साथ नहीं देते होंगे बहुत सी बातों में, या वो अपनी मदर को नहीं समझा पाते होंगे, जिसकी वजह से उनकी बहू और ज्यादा अकेलापन फील करती हैं कि वो मतलब ऑब्वियसली उनकी सारी एक्सपेक्टेशन तो उस पर्सन से होती है ना कि वो शायद उनके लिए कुछ कर पाए। तो मुझे लग रहा है कि आपको उनकी बहू से बहू पे काम करना चाहिए, सास पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी करेंगे नहीं, और उनके घर के जो हालात हैं वो हालात तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक कि सब लोग मिल के या वो फैमिली के और लोग भी उसके अंदर इंटरफेयर ना करें, मतलब उनके और बहन भाई हैं या उनके वो हैं वो उन्हें समझाएं या कुछ भी करें। इस तरह करने से सिर्फ हम आप या बाहर का बंदा नहीं किसी को भी कुछ समझा सकता। मैम लेकिन अगर सास का इंटरव्यू नहीं होगा तो फिर उसकी साइड से भी तो प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी, बच्चों हो सकता है उसने भी कोई इश्यू हो, बच्चों को इंटरव्यू देना ही नहीं ना चाहती, मतलब वो खुद आई ही नहीं है, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है, या फिर ये है कि आप उनकी बहू से बात करके देखें कि अगर उनकी सास राजी होती हैं उनसे बात करने के लिए या इस तरह से, तो शायद आपको वहां से भी कोई क्लू मिल जाए। तो मैम अगर ऐसी कंडीशन कभी भी आती है तो फिर इस तरह का केस बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं हो जाता? बच्चों एक लोगों ने सब हर जगह पढ़ी है स्टार्ट से लेके अब तक, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई पर्सन आ रहा है, आप एक फिजिशियन है फॉर एग्जाम्पल आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और आपके पास कोई पर्सन आके कह रहा है कि फैमिली में फला बंदा है उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उन्हें कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दें, आप देंगे? नो मैम, आई वांट
क्योंकि वो आपके पास ही नहीं है, आपको क्या पता कि आपकी उसकी कंडीशन क्या है, जब तक आप उसके पूरे टेस्ट नहीं देख लेंगे, आप उनकी हिस्ट्री नहीं देख लेंगे, आप ये नहीं देख लेंगे कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो किस हद तक है, किस फ्रीक्वेंसी में है। अब यहाँ पे भी क्या है कि बहू ने प्रॉब्लम बताई है, उस पर्सन ने आकर खुद नहीं बताई, क्या पता वो बहू के अंदर प्रॉब्लम हो, उस पर्सन के अंदर प्रॉब्लम हो ही ना। मैम एक और भी तरीका है, अगर उसके शोहर को बुला के उससे इंटरव्यू ले लिया जाए, हो सकता है कोई बीच वाली बात बता दे। मैं वो थर्ड पर्सन है, मतलब वो ज्यादा सही से जज कर रहा होगा। बच्चों आप बेशक 10 लोगों से बात करते हैं तो पूरा पूरा पीस रहा है ना इस टाइम। बच्चों क्या ये कोई लीगल पर्सिक्यूशन थोड़ी है? बच्चों आप 10 लोगों से भी इंटरव्यू ले लेना, लेकिन अगर वो पर्सन जिसकी प्रॉब्लम है ना, अगर वो खुद नहीं है ना आपके पास, तो वो जितनी मर्जी आप इसको ठीक कर लें, आप ये कोई सजेशन नहीं दे सकते, क्योंकि वो पर्सन खुद नहीं ठीक होना चाह रहा होता। मैम बेटे से बात करने का ये फायदा होगा कि अगर मतलब मैम उसको बचपन से मतलब मैम कोई प्रॉब्लम है ना उसकी सास को, तो मैम बेटा बता देगा कि हाँ हमारी माँ को मतलब बहुएं आने से भी पहले मतलब ये प्रॉब्लम था, वो ऐसे करती थी। या मैम कोई बेटियां हैं तो उनसे मैम इस चीज का पता लग सकता है कि वो उसका पहले बहुओं के आने से पहले उसका क्या बिहेवियर था, तो मैम पता चल सकता है कि मसला बहुओं से है या मैम मेंटली उसे वाकई ही कोई प्रॉब्लम है। तो फिर आप क्या करेंगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आपके पास सारी हिस्ट्री आ गई है, लेकिन आपने जिस पर्सन का इलाज करना है या आप जिस पर्सन को ठीक करना चाह रहे हैं, आपके पास वो पर्सन ही नहीं है। उसके लिए अगर हम उन्हें बुला लेते हैं, उसके शोहर को बुला लेते हैं, उससे इंटेक ले लेते हैं, तो उससे हमारी हिस्ट्री एटलीस्ट कम्प्लीट हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा सास के साथ जो इशू है वो किस हद तक डील करने वाला है। तो मैम बहू के अंदर कौन सी जो है वो स्किल्स को डेवलप करना है कि ये मतलब बर्दाश्त टॉलरेट करना उसे सिखाना है, या मैम उसे मतलब पॉजिटिव चीजें सोचने की तरफ लेके आना है, क्योंकि मैम वो डिप्रेस होती है ना ये चीजें देख के, तो मैम यही हो सकता है ऐसे। जी बच्चों मैं भी यही कह रही थी आमना को कि आप उन जो भी उनकी सास है आप उनपे काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद काम करवाना चाहेंगे तो आप उनपे काम करेंगे, आपका काम सिर्फ आपके पास जो पर्सन आया है वो उनकी बहू है, आपको उनकी प्रॉब्लम्स को देखना। अब उनके प्रॉब्लम को देखने के लिए आप ऑब्वियसली उसके बेटे को या उसके हस्बैंड को बुलाएंगी कि वो उनसे थोड़ी सी बातें पता चल जाएं, आप उन्हें समझाने की कोशिश कर सकती हैं, आप जो उनकी बहू हैं आप उन्हें रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस सिखा सकती हैं, आप उन्हें डिफरेंट होमवर्क की टेक्निक दे सकती हैं, या आप उन्हें बिजी रखने के लिए बहुत सी बातें बता सकती हैं। मतलब हमने CBT में बहुत से डिफेंस मैकेनिज्म भी पढ़े हुए हैं ना बच्चों, हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं या हम उन्हें कोई ऐसा होमवर्क देते हैं जिसमें मोस्टली रिएक्शन फॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं, तो इस तरह की चीजें हैं जो आप दे सकते हैं, लेकिन ये चीजें आप सिर्फ उसकी बहू को दे सकते हैं, उस पर्सन को खुद नहीं दे सकते। या आप उसके हस्बैंड को बुलाएंगे जो भी उनके बेटे हैं, और उन्हें भी बताएंगे कि उनकी जो वाइफ है वो उनकी मदर की वजह से या उनके घर के हालात की वजह से प्रॉब्लम्स को इतना ज्यादा फेस कर रही हैं, तो अगर मतलब ये प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो सकती तो वो अलग हो जाए उनसे, मतलब एंड पे जाके हम ये भी सजेशन दे ही देते हैं ना उन्हें। मैम क्या मदर से अलग हो जाए? क्योंकि बच्चे उनकी मदर कभी तो अलग घर में भी रह लेती हैं, कभी अपने बेटे के पास आके भी रह लेती हैं, उनकी अपनी मर्जी है, जब उनका दिल जाता है तब, लेकिन उनके आने से उनकी बहू को भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम होता है फिर। मैम यानी उन्हें कुछ कोपिंग स्किल्स सिखा के साथ में कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि देखें ना वो उनकी लाइफ में चीजें क्या आ रही हैं, स्ट्रेसफुल इवेंट्स आ रहे हैं, उन स्ट्रेसफुल इवेंट्स को उन्होंने कोप कैसे करना है हम यहाँ पे सिर्फ उसे वो सिखा सकते हैं। वहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि वो खुद ठीक होना चाहती है, बल्कि वो खुद कह भी रही है कि अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है तो पहले आप मेरा करें इलाज, और काम करना ही उनको चाहिए कि वो अपनी स्ट्रेस को किस तरह से कम से कम करें। क्योंकि देखें कि अब उनकी सास दोबारा आई है तो अभी आमना ने बताया कि उनका बीपी शूट करके, और से वो हार्ट की पेशेंट भी, और इतनी यंग एज में वो हार्ट की पेशेंट। तो मैम यहाँ पे आपको क्या लग रहा है प्रॉब्लम किस में है? मुझे तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो जो हुए उनके अंदर प्रॉब्लम पाई जा रही है। बच्चों मुझे भी उनके अंदर ही लग रहा है, और इसका मतलब ये हर कोई नहीं कि वो गलत है या वो ठीक नहीं है, असल में ये इशू नहीं है, प्रॉब्लम तो मैम स्ट्रेस लेती हैं जब उनकी यानी के
जो सासू माँ है वो आ जाती है तो तब उन्हें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। जी बच्चों, असल में यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि उन्होंने बच्चों इस तरह के सिचुएशंस को कभी सामना किया ही नहीं है और ना में उन्होंने इस तरह की कोई सिचुएशन कभी सोची भी होंगी कि आगे जाके उन्हें ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। आमना कहाँ गई आप? मैम वो चाय बनाने गई है। तो मैं यही भी हूँ। यस मैम, मैं सुन रही थी बात। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप सब लोग क्या एक जगह इकट्ठे हुए हैं? कोई चाय बनाने जा रहा है? कोई नो मैम, नो मैम, मैं और किंजा एक जगह आई थी तो मैंने किंजा की तरफ थोड़ी देर के लिए स्टे किया। मैंने 5 बजे निकलना है यहाँ से। अच्छा अच्छा, मैंने कहा दानियाल को बहुत पता है ना। तूने निकलना है या इसने निकालना है? मैंने निकलना है। मुबीन, ये किंजा का घर है, मुबीन का घर नहीं है। यहाँ पे एक बात आप लोगों को पता है, जब हम लोगों ने काउंसलिंग का सबसे पहले स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन, yes, तो वहाँ पे 3 चीजें हम लोगों ने क्लियरली पढ़ी थी कि आप थेरेपी, काउंसलिंग या कोई भी इलाज है बच्चों, कोई भी है, वो आप सिर्फ तब तक इफेक्टिव होता है जब तक के वो पर्सन खुद बजाते खुद आपके पास आना चाह रहा है, वो खुद अपना काम करवाना चाह रहा है। इवन आप अगर आपको बुखार भी है, अगर आपके घर वाले डॉक्टर से ला ला के या पूछ पूछ के आपको दवाइयां देते भी चले जाएं, लेकिन आपका बुखार और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आपको आराम ही नहीं आ रहा, आप जितनी भी दवाइयां ले लें जब तक डॉक्टर आपको चेक नहीं करेगा या आप खुद नहीं चाहेंगे, आप ठीक नहीं हो सकते। तो इसीलिए मेरी सजेशन ये है आमना कि आप एक्चुअली वो जो खुद पर्सन है ना, उनकी बहू है जो, क्योंकि वो इतनी यंग भी है, वो ठीक भी होना चाह रही है, तो असल में आपको सबसे पहले उनको सिखाना है कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कोपिंग स्किल्स कैसे अडेप्ट करनी है। फिर आपने उनके हस्बैंड को भी बुलाएं, एक दफा उन्हें भी थोड़ा समझाने की कोशिश करें कि वो अपने घर के कुछ सिनेरियो को या कुछ माहौल को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें। ठीक है, वो उनकी मदर है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अपनी मदर के साथ लड़ें या झगड़ें या उनके साथ कुछ इस तरह की बातें करें, लेकिन वो थोड़ी सी ट्राई करें कि अपनी मदर को भी किसी ना किसी तरह से समझाने की कोशिश करें, अपनी बहन को बुला लें, क्योंकि शायद हो सकता है कि उनकी बहन की बात वो उनकी मदर ज्यादा अच्छी तरह से सुने। मैम उनकी सिस्टर नहीं है, सिर्फ उनके 3 बेटे हैं। अच्छा, 3 बेटे हैं और तीनों की शादियां हो गई हैं। जी, और आपने बताया कि बड़े दोनों के पास वो नहीं रहती हैं क्योंकि वो रखते भी नहीं है शायद। मैम उनके रूम में भी इसी तरह डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी थी और उनके आपस में ताल्लुकात खराब हो रहे थे। उन्होंने अपनी माँ को साफ कह दिया कि आपने वैसे हमारे रूम में आना तो आए, लेकिन हमारे जो है दूसरे मामला तो उसमें इंटरफेयर नहीं करना, तो उनको नहीं बुलाती वो, उनका काम भी नहीं करती ना इनको खाना देती थी। जी बच्चों, आमना यहाँ पे भी क्या है कि ये करती है, उनकी बहू है ना, आपको उनके हस्बैंड को भी एक दफा बुलाना पड़ेगा ताकि आप उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। अब आप देखें इतनी यंग एज में अगर वो हार्ट पेशेंट है तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है ना, और अभी आपने बताया कि दोबारा स्ट्रेस लेने की वजह से दोबारा से उनका बीपी शूट कर गया। यस मैम, उनका बीपी शूट कर गया था जी। और उसके साथ साथ फिर आप उनकी जो मैम उनको डॉक्टर ने इवन जी 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 मैम वो यहाँ तक ये खुद को ये कहती हैं, मतलब मुझे कह रही थी कि मुझे भी ना कोई बच्चा अगर पढ़ने के लिए हो कुरान पाक, मतलब माशाल्लाह से हाफ़िज़े कुरान है, तो वो कह रही थी कि मैं फीस भी ले ला कुरान पाक पढ़ाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो है ना मतलब थोड़ा सा जो है ध्यान किसी और तरफ लगे, तो अब कोई बच्चा आए तो मैं उनको बोलूँ कि इसको पढ़ा दें। तो अभी घर में कुछ भी नहीं होता, सारा दिन वो मतलब घर का काम करती हैं, उनकी बेटी सो जाती है तो फारिग होती है, फिर बैठ के सोचती रहती हैं। आप हम ना उन्हें ये कह दें कि चलें अगर उनके पास कोई बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा, डिफरेंट मतलब उनका इंटरेस्ट भी होगा इन कोर्सेज की तरफ, अगर वो ऑनलाइन कोर्सेज करना चाह रही हूँ मैं भी। आजकल आपने सुना होगा कि बहुत से लोग हैं जो कि ऑनलाइन करवाते भी हैं कोर्सेज, मतलब इस्लामिक से रिलेटेड हैं, तो आप उन्हें उनके बारे में सजेशन दे दें। मैम उनके हस्बैंड को परमिशन नहीं देते, पहले वो जामिया में पढ़ाती थी तो उन्होंने मना कर दिया, अब वो जामिया नहीं जाती, वो कहते हैं घर ही रहना है, और मतलब ऑनलाइन भी उनको नहीं करने देते। नहीं मैं ऑनलाइन भी नहीं कह रही मैम, यही तो बात है, वो कहते हैं कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे तो उनके हस्बैंड का भी प्रॉब्लम, वो आर्टिकल देख लिया करे मैम, टिकटॉक देख लेती है, टिकटॉक पे भी क्या बंदे ने देखा है मैम। यहाँ पे तो देखे ना उनके तो इंटरपर्सनल इश्यूज भी आ रहे हैं ना, कि उनके अपने हस्बैंड के साथ मतलब उनके हस्बैंड के अंदर भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं कि वो उन पर खुद भी इतनी पाबंदियां लगा रहे हैं। यस मैम, देखिए एक बंदी अपने हस्बैंड के साथ खुल के बात नहीं कर सकती, उसे कुछ पूछ नहीं सकती, तो जाहिर सी बात है उनके आपस में ताल्लुकात खराब है ना। फिर
मैम इसलिए ज्यादा डिप्रेस है ना, माँ के साथ जो है वो कंफर्टेबल है ना, अपने हस्बैंड के साथ उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशन तो है। वो अपने मतलब उनके अपने एक्टिविटी नहीं है, मतलब उनकी बेटी छोटी है, अपनी बेटी को कुछ ना कुछ उनके साथ लगी रहा, तो मुझे लगता है छोटे बच्चों को तो शायद मैम उसके साथ लगी रहती है जब वो अक्सर मतलब जब कभी सो जाए, बेटी भी इतनी बीमार रही है पिछले दिनों में ना, तो अब उसकी सेहत कुछ बेहतर है, लेकिन वो कहती है मैंने जगह चेंज की है तो मुझे कुछ हद तक जो है वो सुकून मिला है यहाँ पे। नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता ना उन्हें कोई और काम करें, फॉर एग्जांपल आप उन्हें बहुत सी उनका और किसी चीज में इंटरेस्ट हो आप उन्हें वो काम दे सकती हैं, वो ऑनलाइन के कोर्सेज करें, मतलब देखिए वो मोबाइल तो यूज करती होंगी ना। मैम सारा दिन की बेटी पॉइंट्स सुनती है, जब वो सो जाती है 2 मिनट के लिए वो टिकटॉक देख लेती है। मैम उसके हस्बैंड को प्रॉब्लम है ना, तो मैम अगर ये उसके हस्बैंड से बात करके उनके मतलब इनको इतना प्रॉब्लम हो रहा है इनको थोड़ी परमिशन दे देखो बच्चों इस तरह की जो भी सिचुएशंस है ना ये हर जगह कहीं ना कहीं आपको फेस करनी पड़ती हैं। इवन आप लोग अगर अपने अम्मी अब्बू से या अपनी अम्मियों से भी पूछेंगे ना, आपको नहीं पता कि वो शायद आपको भी कितने ऐसे दुखी किस्से सुनाए कि आप लोग और ज्यादा डर जाएं। लेकिन ये टाइम पीरियड ऑब्वियसली कई लोगों की जिंदगी में ऐसा टाइम पीरियड आता भी नहीं है, और अल्लाह ना करे आप सब लोगों की लाइफ में भी आए, लेकिन अगर ये टाइम पीरियड आता भी है तो कहीं ना कहीं एक टाइम आता है कि वो खत्म हो जाता है। लेकिन ये चीज आप तब सोचेंगे जब आप एक पॉजिटिव थिंकिंग को अडोप्ट करना स्टार्ट करेंगे। और उनकी जो बहू हैं उनके अंदर मतलब उन्होंने एकदम से इस तरह के हालात देखे हैं, उनका किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, हस्बैंड के साथ भी नहीं है, तो इसी वजह से वो नेगेटिविटी की तरफ थोड़ा ज्यादा चली गई। और अकेलेपन की वजह से मतलब जैसे आमना ने कहा कि उन्होंने घर चेंज किया तो यहाँ उनकी चले इससे दोस्ती हो गई है, हो सकता है पहले जहाँ वो रहती हूँ वहाँ उनकी किसी के साथ दोस्ती भी ना हो। अच्छा भाजी यहाँ आपकी कॉल एंड होने लगी है, इसको जरा दोबारा कनेक्ट करें। मैम दोबारा कर लें जी, दोबारा कर लें। मैम इस तक